हेलो विद्यार्थी मित्रों, यूथ एज्युकेशन में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 11 ની અંદર આજે આપણે 15મો ભાગ જોવાના છીએ, બરાબર। હવે વિદ્યાર્થી मित्रों, आ ભાગની અંદર આપણે જોવાના છીએ સિંચાઈની ઉન્નત સગવડો, આ ઉપરાંત अलग अलग ઘણા બધા ટોપિક છે, બરાબર। તો એમાંનો આજનો આપણો પહેલો ટોપિક છે સિંચાઈની ઉન્નત સગવડો, સારી સગવડો। खेती माटे पूरतुं पाणी जरूरी छे। आपणा देशमां वरसाद अनियमित अने अचोक्कस छे, अनियमित अने अचोक्कस छे। केटलो वरसाद पड़े नक्की नथी अने रोज वरसाद पड़े ज एवुं पण नक्की नथी, बराबर। तो अचोक्कस अने अनियमित छे कोण? वरसाद। तो तेना कारणे पूरतुं पाणी मळी रहेतुं नथी। तेथी सिंचाईनी जुदी जुदी व्यवस्था करवामां आवे छे। सामान्य रीते आपणे त्यां कूवाओ, बोर, नाना मोटा बंधो द्वारा कृत्रिम व्यवस्थाथी पाणीनुं सिंचन करवामां आवे छे, जेने सिंचाई कहे छे। एक मार्क्सनो सवाल, सिंचाई कोने कहेवाय? सिंचाई कोने कहेवाय? तो जो कूवाओ, बोर वगैरह जेवी कृत्रिम व्यवस्थाथी पाणीनुं सिंचन करवामां आवे तो तेने सिंचाई कहेवाय छे। याद रही गयुं? ओके, आ एक मार्क्सनी व्याख्या थी। बस आटला आमांथी आ एक सवाल पूछाई शके छे। त्यार पछी सिंचाईनी अलग अलग सगवड़ों विषे वात करवानी छे। तो जोईए तो पहली सगवड़ आपणे कीधुं छे नहेर, नहेर द्वारा, बराबर। तो गुजरातनी अंदर सरदार सरोवर अने धरोई योजना जेवी महत्वनी सिंचाई योजना छे। धरोई डेम अने सरदार सरोवर डेम, बराबर। ज्यां सरदार सरोवर क्यां छे? ज्यां आपणे सरदार वल्लभ भाई पटेलनु स्टेच्यू है, त्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बराबर। ते सरदार सरोवर जेमा बंधो द्वारा जल संग्रह करवामां आवे छे। नहेरनी मददथी खेतरो सुधी पाणी पहोंचाडवामां आवे छे। आ सरदार सरोवर डेममां आजूबाजूना केटला 4 કે 5 राज्यनी अंदर पाणी पहोंचाडाय छे। नहेरोना पाणीनो सिंचाई माटे सतत वधु पड़तो उपयोग करवामां आवे तो जमीननी फलद्रुपतामां घटाडो थाय छे। शुं कहे छे? जो नहेरना पाणीनो सिंचाई माटे सतत उपयोग थाय तो त्यां जे जमीन छे तेनी फलद्रुपता घटे छे। केम? तो के पाणीनी साथे जे जमीन छे तेनुं पण धोवाण थतुं होय छे, बराबर, एना कारणे। चलो आगळ जोईए। पछी कीधुं छे खेत तलावडी। शुं कीधुं छे? खेत तलावडी शुं छे? तो खेत तलावडी खेतर में ढोळाव वाली जमीनना शेढा पर बनाववामां आवे छे। शेढो एटले खेतरनी हद, बराबर। खेतरना शेढा पर खेत तलावडी बनाववामां आवे छे अने क्या ढोळाव वाली जमीन होय त्यां, जेमां वरसादना पाणीनो संग्रह करवामां आवे छे। केवा पाणीनो? वरसादना पाणीनो। वरसाद बंध थया पछी पाकने पाणीनी जरूरियात होय त्यारे आनो उपयोग थाय छे, बराबर। જ્યારે વરસાદ ન હોય અને પાકને પાણીની જરૂર છે ત્યારે આ ખેત તલાવડીના પાણીનો ઉપયોગ થશે અને ખેત તલાવડીમાં કયા પાણીનો સંગ્રહ થાય છે? વરસાદના પાણીનો। ત્યાર પછી ચેક ડેમ। ચલો, નહેર જોયું, ખેત તલાવડી જોયું, ત્રીજો છે ચેક ડેમ, બરાબર। નદી, ઝરણા કે વહેણનું પાણી વહી જતું અટકાવવા તેની આગળ પાક્કો બંધ બાંધવામાં આવે તો તેને ચેક ડેમ કહેવાય। एक मार्क्सनी व्याख्या, चेक डेम कोने कहेवाय? तो नदी, झरणा के वहेणनुं पाणी छे तेने अटकाववा माटे तेनी आगळ पाको बंध बांधवामां आवे तो तेने चेक डेम कहेवाय। चेक डेम बांधवाथी कूवा अने बोरना तळ ऊंचा आवे छे, एटले के कूवा अने जे बोर होय छे तेना पाणी आपणने ओछा खोदकामथी ज मळी रहे। बोर आपणे, बोर मतलब आपणे शुं कहीए? दार, दार कहीए ने बोर, बराबर। ते तो फटाफट अने झडपथी पाणी मळी जाय, वधारे प्रमाणमां खोदकाम करवू पड़तुं नथी। ओके विद्यार्थी मित्रों, आपणे अहींया सिंचाईनी सुविधाओ जोई, सगवड़ो जोई। तो कया कया जोया? नहेर जोई, त्यार पछी खेत तलावडी जोई अने चेक डेम, बराबर। आ तमाम द्वारा सिंचाईनी सगवड़ सारी एवी मळी रहे छे, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, तो आपने पूछाय के सिंचाईनी अलग अलग सगवड़ों विषे जणावो तो आपणे चेक डेम, नहेर अने खेत तलावडी विषे लखी देवानुं। ओके विद्यार्थी मित्रों, हवे आनी पछीनो टॉपिक नवा विडियोमां। त्यां सुधी आ याद राखी लेजो। जय हिंद, जय भारत।